हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। आई होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट की जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है एज वेल एज जितनी बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होते हैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर किया जा सके। आप सभी को पता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM पे आपके साथ एक सीरीज स्टार्ट हुई है SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2022 के लिए। 60 डेज का प्लान है ये, जिसमें आपके साथ डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट शेयर किया जाता है कि किस तरीके से एक प्रॉपर वे में तैयारी करके SBI क्लर्क को क्लियर किया जा सके, उसी को लेके डेली आपका टू डू लिस्ट मिलता है। अब इस टू डू लिस्ट में आपके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इवन आपके जितने भी और साथ साथ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को भी स्टार्टिंग फेज से फॉर अ बिगिनर स्टार्ट किया जाता है, ताकि आप किसी भी टॉपिक में वीक ना रह जाए या किसी भी टॉपिक को आपका ऐसा ना लगे कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद हार्डली मेरे पास 15 दिन टाइम है, इसमें कैसे अपियर हो पाऊंगा या किस तरीके से मैं टॉपिक प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो वो सारी की सारी चीजें देख के आपके लिए टू डू लिस्ट तैयार की गई है SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए, और एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आप लोगों से मिल रहा है इस सीरीज को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बेहतरीन लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा पूरा का पूरा टू डू लिस्ट, और आप डेली बेसिस पे इसको फॉलो कर रहे हैं। एक बार आप डेफिनेटली फॉलो करके देखो, कहीं ना कहीं आपको खुद, अगर आप पिछले 5 दिनों से फॉलो कर रहे हो या पिछले 10 दिनों से फॉलो कर रहे हो या पिछले 18 दिनों से फॉलो कर रहे हो, आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगना स्टार्ट हो गया होगा कि अगर डेली इसको प्रैक्टिस किया जाए तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट तो जरूर दिखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं टू डू लिस्ट को। स्टार्ट करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM टू 7:30 AM। मैं बार बार आपको डेली टू डू लिस्ट में एक चीज रिपीट करके बोलता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो टाइमिंग मैंने दी आपको यही टाइमिंग फॉलो अप करनी है। टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, अगर आप लेट नाइट पढ़ने वाले हो तो लेट नाइट में सारी की सारी चीजें शिफ्ट करो, बट टाइम ड्यूरेशन सेम रखना। अगर ये 1.5 घंटे का ड्यूरेशन यहाँ पे क्वांट को है तो आपको 1.5 आवर एनी आउट देना ही देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे 6 AM टू 7:30 AM परसेंटेज day 3 के साथ। ये लास्ट डे होने वाला है परसेंटेज का, तो जितना डीप डाउन जाके आपको चीजों को देखना है, जितना मेंस के क्वेश्चन को कवर करना है या जितना आप कॉन्सेप्चुअली वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को कवर करोगे, आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स मत ढूंढना। शॉर्ट ट्रिक्स जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मिल ही जाएगा, अभी आपको पूरा को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ परसेंटेज को आज खत्म करना है। साथ साथ स्पीड मैथ्स तो आप डेली कर ही रहे हो, जिसमें आपके पास डेली एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, 10 नंबर सीरीज से, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और मैं आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स मैजिक पे डेली बेसिस पे आपको टू डू लिस्ट दे रहा हूं मैं। अब आपको PDF भी दे रहा हूं, जिससे कि आप सारी की सारी चीजें PDF के थ्रू कर पाओगे कि day 1 को आपको ये चीजें करनी है, day 2 को ये चीजें करनी है, day 3 को आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं। मैं PDF भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा एज सून एज नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपको आना है 8:30 AM टू 10 AM न्यूज़पेपर रीडिंग। कौन सा न्यूज़पेपर करना है? इंडियन एक्सप्रेस। अब बच्चे के मन में ये भी आता है कि इंडियन एक्सप्रेस मेरे घर तक नहीं पहुंच पाता या मैं रूरल एरिया हूं तो कैसे कवर करूं। अगर कोशिश करना, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, अगर न्यूज़पेपर आपके पास हार्ड कॉपी में तो बहुत ही बेहतरीन है, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता हूं, मॉर्निंग में ही आपको मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, या फिर आप सर्च करोगे मैथ्स मैजिक तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा। न्यूज़पेपर कैसे रीड करना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक न्यूज़पेपर को बैंकिंग एग्जाम के लिए कैसे रीड करें, क्या क्या चीजें रिलेवेंट है, क्या क्या चीजें इररिलेवेंट है, सारी की सारी चीजों पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, या फिर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें हमें जरूरी है पढ़ना, क्या क्या चीजें आपको न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल इग्नोर करके उस पेज को चलना, सारी की सारी चीजें डिटेल से मैंने डिस्कस करी है। एडिटोरियल को कैसे पढ़ना है, अगर मैं एक डोमेस्टिक न्यूज पढ़ रहा हूं तो उसको किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, अगर इंटरनेशनल न्यूज है तो उसमें से क्या क्या चीजें मुझे एट ए टाइम एक्सट्रैक्ट करनी है, सारी की सारी चीजें मैंने न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है इस वाले वीडियो में डाल रखा है, तो जरूर आप एक बार जाके देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से आपको करंट अफेयर्स में हेडलाइंस के थ्रू जाना है, अंटिल अनलेस जब तक आपको बैंकिंग रिलेटेड कोई न्यूज ना मिले उसको डीप डाउन पढ़ना है, बाकी सारी न्यूज को हेडलाइंस के थ्रू जाना है। वो क्या 15 से 20 तो आपको डेली के डेली कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट 10:30 AM टू 11:30 AM करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है। अब जो चीज आपने करंट अफेयर्स में यहाँ पे हेडलाइंस के थ्रू पढ़ी है वो अड्डा 247 पे आशीष गौतम सर की एक वीडियो आती है, उसको देखोगे तो वो सारी की सारी चीजें आप डिटेल डिस्कशन आप यहाँ पे कर रहे होगे। तो यहाँ पे आपने हेडलाइंस के थ्रू पढ़ा, 1 घंटे बाद अब कंप्लीट रिविजन कर रहे हो, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स में बनता जा रहा है। 2 PM टू 3:30 PM आपका सेटिंग अरेंजमेंट आता है, कहां से करनी है, अप्रोच के लिए मैं रिकमेंड करूंगा अंकुश लांबा सर का। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस अप्रोच के थ्रू आपको समझा सकता है जिस अप्रोच के थ्रू अंकुश लांबा सर आपको एक बिगिनर को
सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आपको कि आप अंकुश लंबा सर को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी आप अगर किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं और उनकी बातें आपको समझ तक पहुंच में आ रही है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट एजुकेटर ऑल्सो। 4 PM to 5 PM आपका आता है बैंकिंग अवेयरनेस। मनी मार्केट का डे टू है, आपको आज कवर करने कहां से, कपिल काटपाल सर की वीडियो देखो यूट्यूब पे। पेड क्लासेस अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो जाओ, आपको कहीं से भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब इज सफिशियंट फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन टिल नाउ। इतना कंटेंट तो है यूट्यूब पे अब कि आप आराम से उसको कवर करके पढ़ सकते हो, चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर लो, मेंस की बात कर लो। 6 PM to 7 PM आपका आता है एडिटोरियल स्कीमिंग। अब बहुत सारे बच्चों बोलते हैं एडिटोरियल स्कीमिंग कैसे होता है, मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो वाली वीडियो जरूर जाके देखो, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। आपको वहां पर मैंने ये भी बताया कि एडिटोरियल कैसे स्कीम करना है, बट फॉर नाउ आपको एडिटोरियल स्कीम के लिए आपको ईडियम्स फ्रेजेस आने चाहिए, आपको न्यू वर्ड्स आने चाहिए कि 4-5 वर्ड को कैसे आप एक idioms के साथ रिप्लेस कर सकते हो, कहीं एक प्रॉपर लाइन उसको कैसे एक फ्रेज में मतलब रिप्लेस करके आप उसको शॉर्ट बना सकते हो। स्कीमिंग मतलब क्या होता है कि अगर 500 वर्ड का पूरा एडिटोरियल है तो यू हैव टू कट इट इन 200, 250 and 300 वर्ड्स, तो 500 वर्ड को 300 वर्ड बनाने, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टर यूज करके आप एक से दो सेंटेंस बना एड कर सकते हो। कभी कभी आप फ्रेज यूज कर लो, कभी idioms यूज कर लो, कभी कभी कुछ ऐसा इरेलेवेंट लाइन भी होते हैं जिसको आप स्किप करके चलोगे, तो सारी की सारी चीजें एडिटोरियल स्कीमिंग में आती है। नेक्स्ट 7:30 PM to 8:30 PM आपका आता है वोकैब प्लस करंट अफेयर्स के क्विजेस। जितनी चीजें आपने वोकैब आज सीखी है आपको अड्डा 247, बायजूस और अफेयर्स क्लोड, ये तीन आपके एप्लीकेशन है जहां पे आपको पूरी की पूरी वोकैब कवर करनी है। 3 से 4 अगर आप यहाँ पे वोकैब के क्विज लगाओगे या 3 से 4 करंट अफेयर्स के क्विज, तो आराम से कहीं ना कहीं पूरे दिन का तो जरूर 20-25-30 आपके वोकैब भी कवर हो जाएंगे सिनोनिम सेंटोनिम्स के साथ साथ, और करंट अफेयर्स भी पूरे दिन का तीसरी बार रिवीजन हो रहा होगा। पहली बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, दूसरी बार आपने करंट अफेयर्स की वीडियो में देखी, तीसरी बार आप क्विजेस के साथ बना रहे हो तो तीसरी बार रिवीजन कर रहे हो। नेक्स्ट और लास्ट आपका था 9 PM to 10:30 PM, ये आपका डे एंड हो रहा होगा आज मॉक टेस्ट एनालिसिस के साथ। जो आपने डे 18 में मॉक टेस्ट लगाया था उसका कंप्लीट एनालिसिस करो। एनालिसिस के लिए जो चीज अगर आप क्वांट में आपने अगर अभी तक पार्टनरशिप परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस एवरेज ये सब पढ़ा है तो सिर्फ इसी टॉपिक पर फोकस करो और साथ साथ स्पीड मैथ्स को। जो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसको जबरदस्ती छेड़ने मत जाओ, मत कोशिश करो कि वही बना के देखता हूं, ऐसे में क्या होगा वो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं लेकिन 2-3 मिनट वेस्ट जाएंगे और 2-3 मिनट में आप कहीं ना कहीं 5-6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के बना के बैठ चुके रहोगे। तो और अगर मार्क्स कम आएंगे ना स्टार्टिंग में तो एक डिमोटिवेशन आती है कि कहीं मेरे से ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो गलतियां यही कर रहे हैं कि जो आपको नहीं आता आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अभी फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहे हो तो आपके टॉपिक वाइज तो स्ट्रांग हो ही रहे ना, यहाँ पे ये वाली क्लास में परसेंटेज कल से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एज वेल एज रीजनिंग में भी करना है और इंग्लिश में भी करना है। उम्मीद करता हूं ये टू डू लिस्ट आप डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे होंगे। ये था मेरे अकॉर्डिंग डेट 19 का टू डू लिस्ट। तो कैसा लग रहा है आपको टू डू लिस्ट जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है कि टू डू लिस्ट में किस तरीके से कैसे कवर करना है, ये चीजें कहीं ना कहीं बैकअप रह रही है या इसको बैकलॉग को क्लियर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो सारी की सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी आपके पास डिस्कशन ग्रुप है वहां पे भी मेरे से आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टू डू लिस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम उतना आसान बनते चला जाएगा आपके लिए। ये टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है क्योंकि इस टाइम में अभी नोटिफिकेशन नहीं होती तो बच्चे ये सोचने लगते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं है, तैयारी करेंगे बाद में जब आएगा, लेकिन दिस इज द टाइम जब आपको तैयारी करनी है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट लगाने से फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको एक मॉक टेस्ट नहीं दो नहीं 3-3 मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे दिन के, क्योंकि आपकी एनालिसिस थिंकिंग उस टाइम में ज्यादा हो चुकी होगी, तो आप 1 घंटे में आराम से एक मॉक टेस्ट को एनालाइज कर चुके रहोगे तो टाइम भी वहां पे आपको मॉक टेस्ट में ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।